नमस्कार किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, आप पीछे नहीं हटते, अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं ताकि देश में खाद्यान्न की आपूर्ति हो सके, और इसी में आपका सहयोग देती है हमारी सरकार। और हमारे कृषि वैज्ञानिक भी नई नई तकनीकें विकसित करते हैं, वो नई उन्नत प्रजातियों का विकास करते हैं, और उन्हीं की जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते हैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो क्या कुछ खास है हमारे इन सेगमेंट्स में जानने के लिए, आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं विज्ञान और किसान सेगमेंट के साथ और जानते हैं कि कृषि जगत में क्या कुछ खास गतिविधियां हो रही हैं। विज्ञान के क्षेत्र में लगातार तरक्की हो रही है, और आम जिंदगी की बात करें तो इसमें आसानी के लिए कई तरह की मशीनों को भी इजाद किया गया है। कृषि के क्षेत्र की बात करें तो इसमें भी मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, और हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं वो इस दिशा में निरंतर कार्यरत भी हैं। बता दें आपको कि हमारे वैज्ञानिकों की ही कड़ी मेहनत का नतीजा है कि एक नई मशीन यहाँ पर लाई गई है जो कि इस्तेमाल में लाई जाएगी फलों की ग्रेडिंग के लिए। जी हाँ, सामान आकार के जो फल हैं उन्हें छाट कर अलग करने में ये मशीन कारगर साबित होगी। तो क्या है ये मशीन, किस तरह से आप इसे अपना सकते हैं, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट में। पेड़ों पर लगने वाले सभी फल समान आकार के नहीं होते। कोई फल बड़ा होता है, कोई छोटा और कोई दरमियाने आकार का। बाजार में समान आकार वाले फलों को ज्यादा पसंद किया जाता है और इनकी कीमत भी ज्यादा मिलती है। हमारे देश में अभी तक ये काम हाथ से ही किया जाता रहा है। ग्रेडिंग हमेशा ही काफी गहन और मेहनत वाला काम है। हाथ से फलों के श्रेणीकरण में कई तरह की समस्याएं हैं। पहली तो ये कि मजदूर सही आकार का अंदाजा नहीं लगा पाते, यानी वर्गीकृत फलों के आकार में भिन्नता रह जाती है। दूसरे, इसमें समय भी ज्यादा लगता है। और तीसरे, मजदूर समय पर उपलब्ध ही नहीं हो पाते, जिससे काम प्रभावित होता है। इसी समस्या को देखते हुए भोपाल स्थित केंद्र कृषि अभियांत्रिकी संस्थान ने गोल आकार वाले फलों के श्रेणीकरण के लिए एक मशीन बनाई है, जिसे फ्रूट ग्रेडर यानी फल श्रेणी निर्धारक का नाम दिया गया है। इस मशीन में एक श्रेणीकरण यूनिट, क्षैतिज बेल्ट कन्वेयर और फीडिंग यूनिट लगी होती है। मशीन में फ्लैप रिक्ति भी होती है। अलग अलग आकार के फलों को छाटने की जिम्मेदारी इसी की है। इसे 30 और 145 मिलीलीटर मीटर के बीच समायोजित करके फलों को 5 श्रेणी में छाटकर अलग किया जा सकता है। खास तौर से सेब, मौसमी, संतरा और चीकू जैसे गोल आकार वाले फलों में ये बेहतरीन काम करता है। ये मशीन सैकड़ों मजदूरों के बराबर काम करती है और एक घंटे में 5 टन फलों की ग्रेडिंग कर सकती है। ग्रेडिंग करते समय फलों को कोई नुकसान भी नहीं होता। महज 1,00,000 रुपए कीमत की ये मशीन 1 किलो फलों की ग्रेडिंग में सिर्फ 80 पैसे की बिजली खर्च करती है। श्रीधर पाटीदार के पास मौसमी के बाग है। 65 एकड़ जमीन पर फैले बागों से 1,250 टन मौसमी उपजती है। एक व्यक्ति हाथों से रोजाना 450 किलो फलों की ग्रेडिंग कर सकता है। इस तरह से सालाना 1,250 टन मौसमी के श्रेणीकरण के लिए 2,778 मजदूरों की जरूरत होती है। एक व्यक्ति की मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 1,250 टन फलों की ग्रेडिंग के लिए उन्हें 11,00,000 रुपए से भी ज्यादा खर्च करना पड़ता है। यही वजह है कि इन्होंने श्रेणी निर्धारक खरीद लिया है। श्रेणी निर्धारक की क्षमता 5 टन प्रति घंटा है। अगर मशीन को 8 घंटे भी चलाया जाए तो 32 दिनों में 1,250 टन मौसमी को श्रेणीकृत किया जा सकता है और लागत आएगी 10,00,000 रुपए, यानी 1,00,000 रुपए से ज्यादा की बचत। दूसरी ओर बिना श्रेणीकृत किए मौसमी का मूल्य 20 रुपए किलो था, जबकि श्रेणीकृत फल 25 रुपए किलो के हिसाब से बिक जाते हैं। इस तरह 1,250 टन श्रेणीकृत मौसमी से सालाना शुद्ध लाभ 62,50,000 रुपए रहा।
इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है कृषि कैलेंडर पर नजर डालने का। कृषि कैलेंडर में जानकारियां समाहित होती हैं कि वर्तमान समय में आप कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, और आज हम आपको बताने वाले हैं कि मैदानी क्षेत्रों में फसलों की अच्छी उपज हासिल करने के लिए, उनकी गुणवत्ता को बरकरार बनाए रखने के लिए किस तरह कृषि कार्य करना आपके लिए सही रहेगा। तो फिर आइए नजर डालें इस माह के कृषि कैलेंडर पर। उड़द और मूंग की पकी हुई फलियों की कटाई चिनाई का कार्य करें। अरहर की कम अवधि में पकने वाली किस्मों में नमी की कमी होने पर पलेवा करके बुआई करें। मक्का की फसल में नमी के अभाव में पलेवा जरूर लगाएं। हर साल संकर किस्मों के नए बीजों का प्रयोग करें। पहली मानसूनी वर्षा होने पर बारानी क्षेत्रों में बाजरा की बुआई शुरू करें। मूंगफली की बुआई का कार्य शुरू करें। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक बुआई पूरी करें। सोयाबीन की बुआई के लिए भी जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक समय अनुकूल है। जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई का प्रथम सप्ताह ज्वार की बुआई के लिए सर्वोत्तम है। गन्ने की फसल से खरपतवार निकालते रहें और फसल पर मिट्टी चढ़ाएं। धान की फसल में खरपतवार रोकथाम का कार्य करते रहें। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढककर रखें। आंख कान नाक मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुवाई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का, यानी कि मुलाकात करने का हमारे पद्मश्री पुरस्कार से नवाजित सफल किसान से। जनजातीय क्षेत्र जौनसर और बावर के दुर्गम इलाकों में जैविक विधि को अपनाते हुए कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए, कई तरह की उपलब्धियां हासिल करने के लिए यहां के प्रगतिशील किसान प्रेमचंद शर्मा को राज्य और साथ ही साथ राष्ट्र स्तर पर कई पुरस्कारों से नवाजित किया जा चुका है। बता दें आपको कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। प्रेमचंद शर्मा का जन्म वर्ष 1957 में देहरादून जनपद से सटे जनजातीय बहुल्य क्षेत्र जौनसार बाबर के चकराता ब्लॉक के सीमांत गांव अटाल में एक किसान परिवार में हुआ था।
पांचवी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रेमचंद को खेती किसानी में विरासत में मिली थी। बचपन से ही प्रेमचंद शर्मा अपने पिता के साथ खेती बाड़ी से जुड़ गए और उनसे खेती किसानी के गुर सीखने लगे। पिता के निधन के बाद खेती बाड़ी का पूरा बोझ उन्हीं के कंधों पर आ गया। परंपरागत खेती में लागत के मुताबिक लाभ ना होते देख उन्होंने नए प्रयोग करने का निर्णय लिया। इसकी शुरुआत उन्होंने 1994 में अनार की जैविक खेती से की। सफलता मिली तो इन्होंने अपने क्षेत्र के अन्य किसानों को भी जैविक खेती के लिए प्रेरित किया। इसी क्रम में वर्ष 2000 में उन्होंने अनार के उन्नत किस्म के 1.5 लाख पौधों की नर्सरी तैयार की। यह पौध उन्होंने जोनसार बाबर व पड़ोसी राज्य हिमाचल के करीब 350 कृषकों को वितरित की। अनार की खेती के गुर सीखने के लिए वह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जलगांव के साथ ही महाराष्ट्र और कर्नाटक तक गए। वर्ष 2013 में प्रेमचंद ने देवघार खत के सेज तरानु और अटाल पंचायत से जुड़े। इन्होंने करीब 200 कृषकों को एकत्रित कर फल और सब्जी उत्पादक समिति का गठन किया। इसके साथ ही ग्राम स्तर पर कृषि सेवा केंद्र की शुरुआत कर क्षेत्र में खेती बागवानी के विकास में अहम भूमिका भी निभाई। प्रेमचंद शर्मा को खेती में सफल योगदान के लिए कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। वर्ष 2012 में उत्तराखंड सरकार की ओर से किसान भूषण, वर्ष 2014 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की तरफ से किसान सम्मान, भारतीय कृषि अनुसंधान की ओर से किसान सम्मान, वर्ष 2015 में कृषक सम्राट सम्मान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान से विशेष उपलब्धि सम्मान, वर्ष 2015 में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंत नगर से प्रगतिशील कृषि सम्मान, वर्ष 2016 में स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से उत्तराखंड विस्मृत नायक सम्मान, वर्ष 2018 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से जगजीवन राम किसान पुरस्कार और सामाजिक संस्था की तरफ से जसोदा नवीनी सम्मान और अब 2021 में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। करीब 3 दशक से खेती बागवानी से जुड़े प्रेमचंद ने जोनसार बाबर में किसानों को आय बढ़ाने के लिए नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उनकी इस पहल से सीमांत क्षेत्र के सैकड़ों किसान नकदी फसलों का उत्पादन कर अपनी आर्थिक स्थिति संवारने लगे। इसके साथ ही उन्होंने अपने क्षेत्र के किसानों को जैविक खेती का रास्ता दिखाया, साथ ही प्रगतिशील किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा कि मानसून का जो पानी है वो धरती का भूजल स्तर सुधारने में काफ़ी सहायक साबित होता है, और इस दिशा में आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जा रहे हैं। आइए इन्हीं कदमों के बारे में जानकारी देते हैं आपको हमारे इस रिपोर्ट के जरिए। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में अब मानसून का सीजन भी आ गया है। बादल जब बरसते हैं तो केवल हमारे लिए नहीं बरसते, बल्कि बादल आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बरसते हैं। बारिश का पानी जमीन में जाकर इकट्ठा भी होता है, जमीन के जल स्तर को भी सुधारता है, और इसलिए मैं जल संरक्षण को देश सेवा का ही एक रूप मानता हूं। आपने भी देखा होगा, हम में से कई लोग इस पुण्य को अपनी जिम्मेदारी मानकर लगे रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के सच्चिदानंद भारती जी। भारती जी एक शिक्षक हैं और उन्होंने अपने कार्यों से भी लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है। आज उनकी मेहनत से ही पौड़ी गढ़वाल के उफरैखाल क्षेत्र में पानी का बड़ा संकट समाप्त हो गया। जहां लोग पानी के लिए तरसते थे, वहां आज साल भर जल की आपूर्ति हो रही है। साथियों, पहाड़ों में जल संरक्षण का एक पारंपरिक तरीका रहा है, जिसे चाल खाल भी कहा जाता है।
यानी पानी जमा करने के लिए बड़ा सा गड्ढा खोदना। इस परंपरा में भारती जी ने कुछ नए तौर तरीकों को जोड़ दिया। उन्होंने लगातार छोटे बड़े तालाब बनवाए। इससे न सिर्फ उफरैंग खाल की पहाड़ी हरी भरी हुई बल्कि लोगों की पेयजल की दिक्कत भी दूर हो गई। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारती जी ऐसी 30,000 से अधिक जल तलैया बनवा चुके हैं। 30,000! उनका ये भगीरथ कार्य आज भी जारी है और अनेक लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। साथियों, इसी तरह यूपी के बांदा जिले में अंधाव गांव के लोगों ने भी एक अलग ही तरह का प्रयास किया है। उन्होंने अपने अभियान को बड़ा ही दिलचस्प नाम दिया है, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। इस अभियान के तहत गांव के कई 100 बीघे खेतों में ऊंची ऊंची मेड़ बनाई गई है। इससे बारिश का पानी खेत में इकट्ठा होने लगा और जमीन में जाने लगा। अब ये सब लोग खेतों की मेड़ पर पेड़ लगाने की भी योजना बना रहे हैं। यानी अब किसानों को पानी, पेड़ और पैसा तीनों मिलेगा। अपने अच्छे कार्यों से पहचान तो उनके गांव की दूर दूर तक वैसे भी हो रही है। साथियों, इन सभी से प्रेरणा लेते हुए हम अपने आसपास जिस भी तरह से पानी बचा सकते हैं, हमें बचाना चाहिए। मानसून के इस महत्वपूर्ण समय को हमें गंवाना नहीं है। इसके साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट का, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं कि कृषि जगत में क्या कुछ खास हलचलें हो रही हैं। हमारे देश में फूलगोभी की खेती जो है वो काफी अच्छे स्तर पर की जाती है और हमारे जो किसान हैं इसकी खेती को अपनाकर अच्छी आमदनी भी अर्जित करते हैं। इससे और भी अच्छा मुनाफा अर्जित किया जा सके, इसके लिए जरूरी है कि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार इसकी खेती की जाए। इसी संदर्भ में ICR पूसा नई दिल्ली के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर श्रवण सिंह क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। फूलगोभी एक महत्वपूर्ण फसल है और इसका एक मुख्य समूह है अगेति फूलगोभी। इसकी बुआई आजकल जून जुलाई के महीने में की जाती है और ये तैयार होती है सितंबर, अक्टूबर और मध्य नवंबर तक। इसके लिए उत्तम किस्में हैं पूसा मेघना, जो सितंबर अंत से मध्य अक्टूबर तक तैयार होती है। उसके बाद है पूसा अश्विनी, पूसा कार्तिकी, ये दोनों अक्टूबर के अंतिम सप्ताहों में तैयार होती हैं। और एक संकर किस्म है पूसा कार्तिक शंकर, जो कि मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक अलग अलग समय में तैयार हो सकती है बुआई के हिसाब से। ये चार मुख्य किस्में हैं जो पूसा संस्थान की हैं। अगेति फूलगोभी की उत्पादन के लिए पौध तैयारी एक महत्वपूर्ण आयाम है और इसके लिए जगह का चुनाव विशेष रूप से करना चाहिए। इसके लिए ध्यान रखें कि एक तो जल भराव वाली स्थिति की जगह नहीं हो, दूसरी ऐसी कोई जगह ना लें जिसमें कोई कीड़े या दीमक की समस्या हो। ऐसी जगह का चुनाव करने के बाद में उस भूमि का उपचार करना अनिवार्य है और इसके लिए 0.3% कैप्टान का घोल बना करके उस जगह को ड्रेंचिंग कर दें। और जो जैविक खेती करते हैं वो लगभग 100 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद में 1 किलो ट्राइकोडर्मा मिला करके 7-8 दिन रखें और फिर उसके बाद उस जगह में मिला करके उसकी अच्छे से जुताई कर लें। जुताई के बाद में लगभग 3 से 5 मीटर लंबी
और 45 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर चौड़ी बेड बनाएं जो कि 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर उठी हुई होनी चाहिए और उसके दो बेड के बीच में लगभग 1 फीट का फासला रखें जिससे निराई गुड़ाई करने में या फिर जल निकासी में समय आसानी रहे। साथ ही साथ बीज उपचार करना अनिवार्य है, इसके लिए 2 ग्राम बावेस्टिन प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। अब 1 हेक्टेयर के लिए अगेती फूलगोभी में यदि हमें बीज की मात्रा देखें तो 600 ग्राम से 750 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीज उपचारित करने के बाद में बेड के ऊपर बुआई के लिए तैयारी करें बेड को, उसके लिए लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 से 1.5 इंची गहरी लाइनें बनाएं, पंक्तियां बनाएं, उन लाइनों के अंदर बुआई करें और लगभग ध्यान रखें कि ज़्यादा घना भी बीज न डालें, नहीं तो घना बीज डालने से पौधे अच्छे नहीं बनते हैं। तो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए लगभग 35 से 40 बेड पर्याप्त होती हैं। जैसे पंक्तियों में बीज डाल दिया उसके बाद में एक बात का ध्यान रखें कि सड़ी हुई गोबर की खाद और 2 ग्राम बावेस्टिन प्रति किलो गोबर की खाद के हिसाब से एक मिक्सचर बना करके उन पंक्तियों को ढकें और उसके ऊपर सूखी घास जरूर डालें। सूखी घास डालने के बाद में उस पर पानी डालें सुबह शाम और 3-4 दिन बाद में लगभग जर्मिनेशन आ जाता है, उस टाइम धीरे धीरे सायंकाल के समय सूखे घास को हटाएं और 2 ग्राम बावेस्टिन प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। के बाद में जब हर सुबह शाम लगभग 7-8 दिन तक सुबह शाम जरूर सिंचाई करें और 7-8 दिन बाद में एक बार हल्की गुड़ाई करें पंक्तियों के अंदर, तो उससे घास भी निकलेगा और साथ में अच्छा हवा का जो एरेशन होता है उससे पौध अच्छी बनती है। इसके बाद में जब थोड़ा सा समय और हो जाता है तो ध्यान रखें कि कुछ बीमारियां आने लग जाती हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है डैम्पिंग ऑफ, जिसको हम आर्द्र गलन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पौधा ऊपर से तो ठीक दिखते हैं पत्तियाँ, लेकिन सतह के पास से लुढ़क जाता है, गल करके लुढ़क जाता है। तुरंत कैप्टान 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से या फिर बावेस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसको ड्रेंचिंग करें। एक कीड़ा आता है जिसको हम बरगड़ा भी कहते हैं या पेंटेड बैग कहते हैं, जिसके ऊपर धब्बे रहते हैं, उसके बचाव के लिए इंडोक्सिकार्ब 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। अगेती फूल गोभी की पौध है वो लगभग 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है। एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि आजकल जून जुलाई का महीने में अधिक गर्मी होती है और बारिश की समस्या है, तो इसके लिए जो छायादार जो नेट हैं वो या फिर जो सिरकी बनती है उससे बना करके और पौध की छाया से सुरक्षा करें, और यदि अधिक बारिश की समस्या लगती है जमाव के समय तो प्लास्टिक सीट से ढकें। जब पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं उसके बाद प्लास्टिक से ढकने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसमें बारिश से कोई समस्या नहीं होती। जब बात आती है किसानों की आमदनी बढ़ाने की तो उसमें गुणवत्ता युक्त बीज भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही बीज का इस्तेमाल करके हमारे किसान अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं और सीधे तौर पर उससे अच्छी आमदनी भी अर्जित की जा सकती है। इसी संदर्भ में क्या जानकारी दे रहे हैं कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव अश्विनी कुमार, आइए आपको दिखाते हैं। बीज एक बहुत ही सबसे मूल कारण है जिससे कि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और भारत सरकार किसानों को अच्छा गुणकारी बीज पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। हमारी सरकार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है कि किसानों को अच्छी क्वालिटी का बीज प्राप्त हो। हमारी गवर्नमेंट ने इस समय नई क्वालिटी के नए नए जो पब्लिक सेक्टर के बीज हैं उसका ब्रीडर सीड जो है हमने विभिन्न राज्य सरकारों को दिया, उनके राज्य सरकार के कॉरपोरेशंस को दिया, जिससे कि वो एक सर्टिफाइड सीड बना सकें और वो सर्टिफाइड सीड जो है किसानों में वितरित किया जा रहा है जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाया जा सके। अभी हमने मिनी किट में खरीफ के सीजन में खास तौर से दलहन और तिलहन में करीब 160 करोड़ रुपये का मिनी किट में सभी प्रदेशों को बांटा है जिससे कि अच्छी क्वालिटी का जो बीज है वो किसानों पर डायरेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में मिले उनको, और उसको देखने के बाद उसके को अच्छी तरह समझने के बाद कि उससे कैसे उत्पादन बढ़ता है और उस बीज का इस्तेमाल करके किसान जो है अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं। हमने ये भी कोशिश की है कि जो हमारी 25 सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं जो हर राज्य सरकार के अधीन हैं उनमें अधिक से अधिक जो है सर्टिफिकेशन एरिया बढ़े जिससे कि अच्छी गुणवत्ता का बीज किसानों को मिल सके। हमने ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो 5 साल के अंदर का नया बीज जो आया है
उस पे जो है हम ब्रीडर सीड पे सब्सिडी दें, जिससे कि राज्य सरकार और राज्य सरकार के कॉपरेशन उसमें आगे बढ़ें और अधिक से अधिक मात्रा का सर्टिफाइड सीड नई वैरायटियों का उपयोग में लाएं, जिससे किसानों को लाभ प्राप्त होगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास करीब 132 लैब हैं, जिसमें ये स्टेट के इंस्पेक्टर जो नॉमिनेट होते हैं वो हर सीज़न से दो महीने पहले सीज़न के सैंपल लेते हैं और सैंपल का क्वालिटी टेस्ट जो है वो इन सारी लैबों में होता है, और जो जो उस क्वालिटी पे जर्मिनेशन और प्योरिटी पे खड़े नहीं उतरते हैं बीज, उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। हम सारे 132 लैब का 5% सैंपल अपने रेफरल लैब में बनारस में, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की लैब है, उसमें भी मंगाते हैं और उसको पुनः परीक्षण करते हैं, जिससे हमें पता चले कि जो 132 लैब हैं उसमें गुणवत्ता के हिसाब से टेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, और जहाँ पे हमको कहीं पे ज़रूरत लगती है वहाँ हम राज्य सरकार को उचित निर्देश देते हैं कि इसकी गुणवत्ता और किस तरह से टेस्टिंग में बढ़ाई जा सकती है। साथ साथ ये जितनी भी 25 सर्टिफिकेशन एजेंसी हैं ये भी सीड सर्टिफाई करती हैं, ये फार्मर का सीड को पहले प्लॉट को रजिस्टर्ड करती हैं, उसके बाद दो फील्ड इंस्पेक्शन करती हैं, उसके बाद जो लॉट है उसका टेस्ट करती हैं, उसके बाद ही सीड को सर्टिफाई किया जाता है। इस प्रोसेस के होने के बाद जो है जो भी सीड जाता है वो गुणवत्ता पे खरा उतरता है और जो किसानों को उसको उच्च कोटि का बीज मिलता है और उससे उसकी उत्पादन बढ़ाई जाती है। हम केवीके के थ्रू जितने भी केवीके हैं, करीब 706 केवीके हैं, उन 706 केवीके में मैं वहीं के फार्म से सीड अच्छी क्वालिटी का पैदा करके वहाँ मुहैया किया जाता है। हमारी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट फार्म कॉपरेशंस हैं, उसमें भी उच्च कोटि का बीज का उत्पादन किया जाता है और किसानों को दिया जाता है, जिससे किसानों पर अच्छी वैरायटी का बीज मिल सके और उनका उत्पादन बढ़ सके। अब हमारा जो कृषि का क्षेत्र है वो भी आधुनिक हो रहा है, कई तरह की टेक्नोलॉजी इसमें मिल रही हैं और हमारे किसानों को इससे फायदा भी मिल रहा है। जी हाँ, कई ऐसी मोबाइल ऐप्स हैं जो हमारे किसानों की सहूलियत के लिए तैयार की गई हैं, उसी में से एक है पूसा कृषि मोबाइल ऐप। क्या कुछ खास है इस ऐप में, आइए जानते हैं। ये ऐप किसानों की कृषि जगत और खेती से जुड़ी शंकाओं का समाधान करता है। इस ऐप से किसानों को मौसम से जुड़ी जानकारी प्राप्त होगी, जिससे वो अपनी फसल में सभी जरूरी कार्य मौसम के अनुरूप कर सकते हैं। सरकार और कृषि वैज्ञानिक समय समय पर ऐप के जरिए नई कृषि प्रौद्योगिकियों की सूचना प्रदान करते हैं। पूसा कृषि मोबाइल ऐप किसानों के हित में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किया गया है। फसल की नई किस्मों के बारे में कम संसाधनों में खेती, संरक्षित खेती और कार्य व्यवहार के साथ साथ कृषि मशीनरी और उनके प्रयोग से संबंधित सूचना किसानों को उपलब्ध होती है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। हम उम्मीद करते हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए जो भी जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आपके लिए जरूर लाभकारी साबित हो रही होंगी। बता दें आपको, हमारा ये कार्यक्रम आप किसी भी समय देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल के जरिए। जी हाँ, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन करिए और कहीं पर भी किसी भी समय आप देख सकते हैं हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम और कृषि जगत से जुड़ी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें, अगर आप हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव भेजना चाहते हैं तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और आप अपनी ईमेल्स भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, krishidarshandk@gmail.com। तो बस किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।